नारद जी लाइन पर रहिए, नाम बड़ा प्यारा रखा है तुम्हारा, है ना? हाँ गुरु जी, नारद, जिस जिनकी बात रद्द ना हो उनको नारद कहा जाता, और जो 1-24 मिनट से ज्यादा कहीं पर ठहरे ना उनको नारद कहा जाता है, और जो दूसरों की लड़ाई कराते रहे उनको नारद मुनि कहा जाता है। ठीक है, गुरु जी, चलिए आपकी कुंडली को जानते, आपकी कुंडली के अनुसार आपके जीवन में स्टेबिलिटी स्थिरता नहीं है, भटकना भटकना भटकना, ऐसा ही है? सही है कि गलत? हाँ गुरु जी, सही है। हाँ सही है। आपकी कुंडली बताती है कि आप किसी का विश्वास जल्दी नहीं करते, सही है कि गलत? हाँ गुरु जी, आपकी कुंडली ये बताती है कि आपको सिर में दर्द होता है, सही है कि गलत? हाँ गुरु जी, होता है। आपकी कुंडली ये भी बताती है कि पिछले 2-2.5 साल का समय आपका बहुत ही खराब रहा, मानते हैं सही है कि गलत? हाँ गुरु जी, सही है। हाँ अब आपकी कुंडली बिल्कुल सही है, आप सवाल कर सकते हैं। गुरु जी, शादी नहीं हुई है मेरा, अच्छा, शादी नहीं हुई? हाँ तो होगा कि नहीं? ऐसा शादी तो 2 बार होनी है नारद तुम्हारी। है गुरु जी, हाँ, 2 बार शादी होनी है, एक होगी फिर डिस्टर्ब हो जाएगी कुछ समय बाद, फिर दूसरी होगी। पहली हाँ शादी होगी 7वें महीने में, पत्नी छोड़कर चली जाएगी 7वें या 8वें महीने में। हाँ फिर उसके बाद शादी होगी, हाँ फिर शादी के लगभग 19 वर्ष बाद, दूसरी शादी के बाद 19 वर्ष बाद ऐसी स्थितियां बनेंगी कि वह पत्नी भी छोड़कर जाने के लिए तैयार होगी, हाँ परंतु आपके और अपनों के द्वारा मना थपा के उसको रोक लिया जाएगा, परिस्थितियां सुधर जाएंगी। ठीक है, हाँ क्या जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? तो अभी अभी एक लड़की है, उसका शादी हुआ था, उसका घर वाला खत्म हो चुका है अभी 4 महीना पहले, शादी होने के बाद में, तो उससे करूंगा तो बनेगा गुरु जी? परंतु इस कुंडली में तो दिखता है कि पूर्व भुक्ता लड़की नहीं मिलेगी, ऐसा है? मतलब किसी के साथ जो बच्ची रह चुकी हो ऐसी बच्ची से शादी आपकी नहीं होगी, कुंडली बताती है। हाँ तो कैसे बात बनेगी यहाँ, आप देखिए और आपके परिवार वाले देखें, है ना? हाँ क्या करते हैं आप, ऐसे ही काम करता हूँ, बोल सकती हूँ। देख लीजिए, अपने परिवार में चर्चा कर लीजिए। हाँ शास्त्रों में लिखा है, बेटा भाग्यम फलति सर्वदा, न च विद्या न च पौरुषम, भाग्य ही सदा सर्वदा फलित होता है, ना विद्या फलती है ना पुरुषार्थ फलता है। हाँ मनुष्य का भाग्य फलित होता है, तो भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहता है। हाँ तो आपको जो अच्छी सुंदर लड़की प्राप्ति का योग है विवाह के लिए, तो आप अपना काम करते रहिए, भगवान जहां जैसा लिखा होगा मिला देंगे। हाँ ठीक है, और कोई सवाल तो मेरा घर, है? हाँ गुरु जी, पैसा बहुत कमाता हूँ, रुकता नहीं है। यार ये तो बहुत बड़ी समस्या है, कितना कितना बहुत ज्यादा कमाते हो, कितना कमाते हो? कमाता हूँ, रुकता नहीं है, पूरा खर्चा हो जाता है अकेले से। हाँ, तो एक काम करें, सोमवार के दिन जो अशोक लंबा लंबा पेड़ होता है ना, उसके पत्ते तोड़कर तिजोरी में रख लो, पूजन करके हाँ अपने पर्स में रख लो, और जहां पैसा हाँ रखते हो उस अलमारी में रख दो, पैसा फैलने लगेगा। ठीक है, हाँ चलिए, आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं नारद जी कि नहीं, हाँ गुरु जी, संतुष्ट हूँ। आप बताइए। नारद जी भी हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हो गए, फिर भी लोग शेयर नहीं करते, कैसे लोग हैं भाई? चलिए, धन्यवाद नारद जी, हाँ प्रणाम गुरु जी। भगवान सुखी रखे, बढ़िया नाम है यार। देखिए, आजकल नारद जी पोल्ट्री फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, क्या जमाना आ गया। चलिए ठीक है, एक कॉल ले लेते हैं, इस पर कुछ बात याद आई, परंतु नहीं बोलेंगे, कई राजनेता नाराज हो जाएंगे, इसी के बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं है आजकल। हाँ।